उल्लेख किया पीएस बैंक इंडेक्स सिक्स परसेंट ऊपर था आज एसपीआई करीब 622 सौ बाईस पैकेट ट्रेड करता हुआ लगभग लगभग आधा परसेंट की तेजी लेकर और ट्रेंड मेरे ख्याल से ये जो चौदह रुपए का इजाफा है ये इसको ऑल टाइम हाई हाइट्रोजिक प्लेस कर रहा है और कल के कन्विशन ट्रेड्स में से आशीष जो उन्होंने पिक किया था करीब पैंतीस सौ अट्ठानवे पैकेट ट्रेड करता हुआ बट निफ्टी बैंक इकतालीस अंक नीचे सेम क्वान्ट में इकतालीस अंक नीचे निफ्टी और निफ्टी आई का एडवांटेज आज हमारे पास एज ऑफ नाउ नहीं अनुज हाँ वीरू बिल्कुल निफ्टी आईडी का आज एडवांटेज नहीं क्योंकि टेक महिंद्रा ने मेरे ख्याल से काफ़ी देखिए ये पोजीशनिंग जब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है किसी नंबर से पहले तो ये रिस्क होता है साढ़े पाँच परसेंट इस समय आपको टेक महिंद्रा का स्टॉक काम करता हुआ दिखाई देगा उसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग है एक बार ज़रा जी लेकर आइए जी वापस बैन में आया है वहाँ पर थोड़ा सा एक मूव आपको दिखाई देगा और उसके अलावा क्या अच्छा है कोल इंडिया कोल इंडिया में अच्छा मूव आ रहा है इस समय और बजाज ऑटो में तो खैर अच्छा मूव है ही लेकिन चलिए अब ट्रेड्स लेने की शुरुआत करते हैं क्विक सिंगल्स इस समय के मानस आपसे शुरुआत करेंगे बताइए किस समय का आपका क्विक सिंगल देखिए ट्रेड लेना होगा तो वो मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मदरसन पे देखने को मिला है पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं एक सौ नौ रुपए नब्बे पैसे के स्टॉप लॉस से मदरसन में खरीदारी करनी है और टारगेट एक सौ सोलह रुपए एक सौ सत्रह तक के आपको देखने को मिल सकते हैं ये कैश लेवल्स है अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एक सौ पंद्रह वाला फेफ का ऑप्शन वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं छह रुपए के आसपास को ऑप्शन ट्रेड हो रहा है चार रुपए पचास पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और आई थिंक नौ रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं ओके अच्छा एक बार और वापस लेकर आई है क्योंकि uh, वो जो बाकी के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई लेकिन उसके बीच में भी ये स्टॉक फिर फिर uh, अपटेक दिखा रहा है ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में फिलहाल हम ट्वेंटी uh, तो ऊपर वाली साइड पे हम बहुत जल्दी 2330 एंड 2340 की तरफ जाएंगे ओके okay, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इनफैक्ट जो ओबरा रियल्टी का सिंक होना पिछले तीन दिन से जारी था वो थोड़ा सा हवा और इन स्टॉक्स को देता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज एट 2298 स्क्रीन पे आ गया 86% रोल ओवर क्लॉक्स कर, कर चुका है स्ट्राइक कर चुका है ये राजेश चतुर्वेदी जी आपका ट्रेड देखिए देखिये ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करूंगा मेरे हिसाब से यहाँ पे कल जिस तरह से पैटर्न पैनआउट हुआ था उसके बाद स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसका जो दिख रहा है मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड का रेजिस्टेंस या टारगेट होगा नौ सौ बीस का ग्लेनमार्क फार्मा आपने पिक आप किया नौ सौ सात नब्बे पे फ्यूचर्स है ओके

जी अनुजी मेरी नजर कोल इंडिया पे है कोल इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है दो दिन पहले जो हम स्टॉक देख है, लग लग 10 के जा रहे हैं थ्री एटी थ्री का और टारगेट्स रहेंगे चार सौ रुपए के चलिए अब शर्मिला के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस डिक्लाइन में लॉरेंस लैब्स लिया जाए या अभी के लिए छोड़ दिया जाए शर्मिला

आई थिंक सिक्सटी नाइन फिफ्टी और मे बी सात हजार तक के भाव आपको FSS में आज देखने को मिल सकते हैं ओके ओरकल फाइनेंशियस सिक्स सेवन एट जीरो पर इसके एकला चलो अभी तक तो यही है हाल अच्छा ओरकेश हाई परसेंट के मूव के साथ टॉप इन डेरिवेटिव्स और इस वक्त क्या स्ट्राइक करने लायक है जो अच्छा कर रहा है एक बार ग्लैन मार्क की कॉल एक बार स्क्रीन पे फिर रखेंगे अभी अभी दी थी क्या स्विंग दिया इसने हमें नौ सौ पाँच का हैलगा क्या है लगा के बात करते करते निफ्टी फिस इंक होता हुआ और निफ्टी अब इक्कीस तीन सौ अस्सी तो अनु जी ये अब अब थोड़ा सा मैं मैं ना थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ यहाँ पर अभी मैं एग्जैक्टली exactly कुछ कॉल्स पे नहीं आऊँगा बट टेक महिंद्रा के बाद जब निफ्टी आई आज हल्का सा बैकफुट पर है करीब साढ़े अंक नीचे है मोर और लेस इन्फोसिस के नतीजों के बाद जो हमने माइलेज लिया था जिस ट्री में आगे थे वही ट्री है अब जस्ट आई मीन हम स, बैठे हुए हैं टेंडिमा के पास और लगभग पिछले आठ दिन से यही ट्री मेंटेन कर रहे हैं हुँ. अब हम एक नई सीरीज में जा रहे हैं क्या व्यू बन रहा है अब फाइनली इन नंबर्स को देखने के बाद मिड कैप कैफाइटी और लार्ज कैप कैफाइटी के, के नंबर बिल्कुल बिल्कुल मैं उस पर आऊँ उससे पहले एक चीज बता रहा देखिए निफ्टी में आज जो एक हमारा एक अप्रोच था सुबह की अगर वो आपको रिजेक्शन मिले तो एक सेल करिएगा आई थिंक वो सेल ट्रेड ऑन हुई और उसके बाद अब अब जो नेक्स्ट जोन है वॉच आउट करने का ट्वेंटी वन पर अगर सपोर्ट नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी तो इसके लिए ध्यान रखें आ, लेकिन ट्वेंटी वन थ्री सिक्सटी थ्री सेवेंटी के आसपास मुझे लग रहा है एक बार शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करके अगर आप देखना चाहें कि ट्वेंटी वन थ्री फिफ्टी थ्री होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा बहुत सारे ट्रेड्स रहेंगी आज मार्केट में जहां तक बात इस आई इंडेक्स की मेरे ख्याल से पोजिशनिंग काफ़ी हो गई थी टेक महिंद्रा के नंबर्स खराब नहीं है जैसे शर्मिला भी कह रहे थे कमेंट्री भी ख़राब नहीं है उसकी लेकिन क्योंकि स्टॉक इतना चल चुका था ये स्टॉक मेरे ख्याल से इस महीने दस परसेंट चल चुका था उससे पहले हज़ार वाला स्टॉक चौदह सौ क्रॉस कर चुका था इसके लिए आज यहाँ पर इस तरीके का आपने एक वायलेंट रिएक्शन देखा है और इस वजह से टेक महिंद्रा का शेयर दिखा दीजिए प्लीज उसकी बात हो रही है अब तो इस वजह से वो स्टॉक गिरा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पर एक फ्रेश कुछ बेयर मार्केट शुरू हो गई है कुछ हो गया ये मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल्स पर यहाँ पर बाइंग भी आएगी वापस आई में मैं अभी भी यही व्यू रखूंगा कि लार्ज कैप आई में अभी भी आपका 25 परसेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए इस साल ये एक स्पेस है जो यहाँ से आउट परफॉर्म करेगी क्योंकि वैल्यूएशन uh, का कंफर्ट है और कमेंट्री ठीक ठाक है कंपनी होगी एफ आई ट्वेंटी के लिए कमेंट्री काफ़ी अच्छी है कंपनियों की तो इस वजह से हर डिक्लाइन में मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर होगा जहाँ पर आप वेदर ई करें या बास्केट बनाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आ, वो आप अप्रोच ले सकते हैं और देखिए बात करते करते निफ्टी फिर रिकवरी दिखा रहा है ट्वेंटी आज मार्केट ये करेगा आपको दोनों साइड के ना बहुत वायलेंट मूव दिखाएगा क्योंकि सीरीज इस तरीके की रही है एक्सपायरी भी ऐसी रहने वाली है जी ओके इस बीच आ, थोड़े स्टॉक्स पे आते हैं आ, क्या हो रहा है आ, जो अच्छा कर रहा है इस वक्त एक बार आप लेके आइएगा डॉक्टर लाल पैथलेब मैं इसको रीड करने की कोशिश कर रहा था ये लोवर डिजिक्टी से बाहर निकल रहा है ऐसे स्टॉक्स में रिवॉर्ड खोजने की कोशिश करते हैं जो कि बेस से बाहर निकल के आ रहे हैं मानस कल इसमें कैंडल रिवर्सल था और मैं उस रिवर्सल को इसलिए वेटेज दे रहा हूं क्योंकि वो कैंडल रिवर्सल और उसके प्रीवियस कैंडल दोनों परसिस्ट करती हैं टू हंड्रेड डे एक्सपोरशियल एवरेज पे आपका कोई इस ट्रेड को राइड करने का मन है ऑन द लॉन्ग साइड क्यों क्योंकि उस रिवर्सल डे के बाद आज इसने पहली बार आई थिंक पोस्ट आर्ट जेन आठ जनवरी के बाद पहली बार टेंडेमा क्रॉस किया है जो कि इन सारी कैंडल्स का हाई था एनी ट्रेड थॉट मानस टू फोर फाइव फाइव तो देखिए बिल्कुल ये स्टॉक नजर में था मैंने शॉर्टेज करके मॉर्निंग में रखा हुआ था और मेरा समझना है कि शायद पच्चीस सौ या पच्चीस सौ दस के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है तो करंट लेवल्स पे आप एक खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉसेस ट्वेंटी के रहेंगे और ट्वेंटी फाइव तक के टारगेट्स पॉसिबल है चलिए अमरीश बलीगा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ अमरीश गुड मॉर्निंग बारेंग। गुड मॉर्निंग अमरीश लॉरस लैब्स और टेक महिंद्रा दोनों पर कोई व्यू आपका आज दोनों टॉप लूजर्स लॉरेंस लैब पे व्यू नहीं है पर टेक महिंद्रा में जैसे कि आपने करेक्टली कहा है कि काफी अच्छा चल चुका था सो आई थिंक इट वाज ड्यू फॉर अ करेक्शन तो अभी हम लोग करेक्शन देख रहे हैं बट आई वुड से दैट इन केस इट कम्स डाउन फर्दर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 2024 में आई थिंक आईटी सेक्टर ओवरऑल आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ 2024 में आईटी सेक्टर काफी आउट परफॉर्म करेगा जो हम लोग ने फार्मा सेक्टर से देखा था इन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023 आई थिंक सिमिलरली आईटी सेक्टर विल डू दैट दिस ईयर तो मुझे लगता है कि एट लोअर लेवल्स इट्स टाइम टू बाय इनटू आईटी क्योंकि जो योर uh, क्यू1 uh, uh, या क्यू2 के जो अर्निंग्स uh, आएंगी आगे जाके ओके uh, they would, they would, uh, okay, टेक महिंद्रा टेक अमरीश जी का थर्टीन फिफ्टी फोर फिफ्टी पे अच्छा एक स्टॉक जिसकी मैं बार बार चर्चा करता रहा हूँ उल्लेख करता रहा हूँ इसको एक बार आज डिस्कशन में शामिल करते हैं अमित जरा एक बार एच डी एफ देखिएगा कल मैंने क्लोजिंग में भी इसको मार्क किया था कि क्या कैरी करना चाहिए प्रकाश सर का मत था हाँ और एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न और आई थिंक जो रिक्वायर्ड कंसोल्यूशन था हायर लेवल वो हो चुका है थर्टी पे कोई ट्रेड व्यू चौथे अठहत्तर का भाव स्क्रीन पे जी जी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है कल के सत्र में ट्वेंटी डेम पे सपोर्ट दिया और आज एक हम ऑलमोस्ट कल के सत्र जहां क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन होकर हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रक्चर uh, पॉजिटिव है uh, काफी पॉजिटिवी है uh, तो डी सी एम सी ओके देखिए मैं बार बार नजर आ रही है OFSS पर, क्योंकि एक बार फिर अब ये स्टॉक सात हजार क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है याद होगा आपको हमने लगातार उस दिन पे चर्चा की थी कि क्यों ये स्टॉक आपको उन लेवल्स पर भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा और एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन अब लोअर लेवल से इसके बाद एक यहाँ पर अच्छी रिकवरी है मेरे ख्याल से सीरीज का स्टॉक ऑफ द सीरीज़ रहा है ये विदाउट अ डाउट और कई बार इसकी हमने चर्चा की थी ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये स्टॉक नंबर्स आने के बाद और वो बड़े मूव के बाद भी सस्ता था कंपेयर टू तो प्रीवियस डे क्यों क्योंकि अर्निंग्स को आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना था यहाँ पर और वो अर्निंग्स के एडजस्टमेंट के बाद अगर आप देखें अब वापस शायद सात हजार क्रॉस कर रहा है अमरीश कोई व्यू है आपका ओरेकल पर ट्रैक किया है क्या कि इसको हाँ ओरेकल इनफैक्ट लास्ट यदि चार पांच साल देखें तो कहीं परफॉर्मेंस uh, कुछ भी नहीं था इट वॉज मोर लेस फ्लैट पर अभी जिस हिसाब से इन्होंने अर्निंग्स दिखाए हैं आई थिंक आई मीन पीपल आर क्लियरली री देयर व्यू ऑन ओरैकल और मुझे लगता है कि दिस इज पॉसिबली जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ रैली Uh, तो uh, मैं बोलूंगा इनकेस एनी करेक्शन यू सी आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और यदि आई आई मीन इफ पीपल कैन बाय बाय मोमेंटम वुड सजेस्ट इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेल पे टेक महिंद्रा में अब आ रही है बाइंग और अब ये स्टॉक आ गया डे हाई पर और जो आ, इसका ओपनिंग के बाद का जो एकदम इमीडिएट हाई था, था वो क्रॉस किया इसने आ, और अगेन जैसा शर्मिला भी कह रही थी कि लोअर लेवल्स पर यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आनी चाहिए वो हो रही है इस समय यहाँ पर टेक महिंद्रा में हालांकि अभी भी काफी नीचे ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरी रिकवरी हो गई लेकिन चार परसेंट नीचे इस समय दूसरी तरफ लॉरस लैब्स वापस ले पा रहा है थोड़ी सी रिकवरी यहाँ भी आई थी लेकिन लॉरस अब वापस करीब करीब छह परसेंट नीचे इस समय एक और स्टॉक देखते हैं डिक्सन टेक डिक्सन पर एक व्यू ले लेते ले हैं एक बार मानस डिकेक कोई कोई व्यू यहाँ पर देखिए डिक्सन का ट्रेंड की बात करें तो वो तो निगेटिव लगता है 20 डे डे 50 एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है आज भी हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और मेरा समझना है कि अगर ये 70 57 95 के नीचे फिसलेगा तो कम से कम 5600 के भाव दिखा सकता है तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें अगर आपके पास ऑप्शन हो तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए 5950 के 5950 के स्टॉप लॉस के साथ ओके डिक्सन 5166 का सेल का व्यू यहां पर है आईटी में रिकवरी है और आ... अभी करीब करीब साढ़े चार सौ पौने पाँच सौ अंक नीचे वाला निफ्टी आई टी अब करीब तीन सौ सैंतीस अंक नीचे टेक महिंद्रा के टिक्स आ रहे थे स्ट्रॉन्ग उसके मतलब रिकवरी फ्रॉम डे लो इन्फोसिस तीसिस के टिक्स आते हुए लेकिन सडनली मेरा ध्यान जो है इससे हट के एक इंडेक्स को सेव करने वाले मतलब बचाने वाले स्टॉक की तरफ पड़ता हुआ एंड क्योंकि एक ऐसी प्रोजेक्टरी पर है मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ लेट्स रिलायंस रिलायंस ने कल वो जो आखिरी के लगभग 60 पॉइंट थे 50 पॉइंट थे वो स्पॉन्सर किए थे अब रिलायंस ऐसी जगह खड़ा है परसों के फॉल के बाद जहां ये 20 डेमा पे गया कल इसने दोनों एवरेजेस शॉर्ट टर्म एवरेज के बीच में बिताए 10 20 के बीच के ऊपर 10 के नीचे कल का हाई 10 डेमा था आशीष भहती जी आपकी अच्छी रीडिंग है इस पर ट्वेंटी ये प्राइस एग्जैक्टली इसका डेमा है डायरेक्टर साहब इस पर जरा एक बार आप फरवरी की सत्ताईस की कॉल भी रखिएगा

और कोई भी ट्रेड लेने से पहले चाहे वो ऑप्शंस में हो फ्यूचर्स में हो कैश में हो डिलीवरी हो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित कर रहे हैं अनुज एक ऐसे स्पेस को देखते हैं रीड करते हैं जो अब अर्निंग्स के दौर से निकल चुका है डी के नंबर्स को हमने देखे ओबरा रियलिटी में पोस्ट अर्निंग्स एक डैमेज था बट हम एक ऐसे कैलेंडर वर्ष में अब एंटर कर चुके हैं अनुज जिसमें मोर और लेस लग रहा है कि सेकेंड हाफ में हमको शायद एक रेट कट मिले जो हाउसिंग लोन मेरा एक समय करीब 6.75 पे था जो साढ़े आठ नौ पे आ गया वो शायद फिर रिट्रेस होकर साढ़े सात सात पे आ जाए ऐसे में रियल स्टेट को कैसे अप्रोच करना चाहिए नंबर्स के बाद इस वक्त स्पेशली वो वाल रियलिटी भी बिल्कुल पाया उसको बिल्कुल देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा ओवरऑल रियलिटी गिरा आज जो गोदरेज प्रॉपर्टी चल रहा है वो एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर कई लोग जब गोदरेज कई लोग हैं जो रियल इस्टेट में पैसा सिर्फ मुंबई बेस्ड मार्केट में लगाते हैं बहुत लोगों का ये व्यू है कि क्योंकि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स जाने जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा मतलब मुंबई के रियलिटीज कंपेयर टू तो अदर प्लेसेस इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस रहता है तो उसके लिए ओबरॉय वाले निकल कर थोड़ा सा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में डाल रहे हैं लेकिन कल भी जो हमारी बात हुई थी कि ये वन वन ऑफ क्वार्टर अलग बात है लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है डी के भी नंबर्स आपको क्या कह रहे हैं सेक्टर का मोमेंटम स्ट्रांग है इस बीच में इनको लेने का तरीका यही होगा जब इस तरीके की डिक्लाइन आएगी जैसे ओबरॉय है ना ओबरॉय लेने का तरीका आपको अभी अगले पाँच छः दिन में ही मिलेगा उसके बाद एक बार चलना शुरू हो जाएगा उसके बाद वो हाथ से बाहर निकल जाएगा इनफैक्ट इसका इसका आप फिफ्टी टू भी हाई लो रेट देखिए ओवरऑल रियल की ये मैं एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ सात दिन में भी ये स्टॉक पंद्रह परसेंट गिर चुका है ठीक है ना अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज की आज आपको ले लेना लेकिन एक अगर आप एक एस इन्वेस्टर हैं और आपका व्यू यह है कि अब रियल इस्टेट यहाँ से अच्छा चलेगा तो रियल इस्टेट के टॉप पिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओवरऑल ना हो ठीक है पंद्रह वाला अब तेरह सौ पे आ गया क्या ये इस साल वापस पंद्रह क्रॉस करेगा मेरे ख्याल से तो करेगा ये मेरा कन्विक्शन है अब हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन अप्रोच यही रहेगी कि इसमें जब खराब न्यूज आए ना तब आप लें वो एक अप्रोच जो है वर्क करेगी डीएलएफ में भी ये अप्रोच वर्क की अगर आप डीएलएफ का भी चार्ट देखें ऐसा नहीं कि डी ने वन वे रैली दिखाई है बीच बीच में डिप्स आई हैं डीएलएफ में बीच बीच में पांच परसेंट दस परसेंट तक की भी करेक्शन आई है इस साल तो उन डिप्स पर लेने में अगली रैली में आपका पैसा बनना क्योंकि ये एक सेक्टोरल थीम है ये एक मैक्रो माइक्रोप्लेट वर्क है इस समय रियल एस्टेट जैसा आपने बोला आइसिंग ऑन द केक रेट कट्स इस साल बिल्कुल ऐसे ही कुछ हादसे थे इस बाजार में चाहे वो ओबरा रियलिटी हो पॉली कैब को लेकर अभी तक उभरा नहीं है आई मीन उभरने के लिए मेरी डेफिनेशन यही होगी कि एटलीस्ट अपने बड़े एवरेज को रीगेन करे टू हंड्रेड एक्सपो एवरेज को एटलीस्ट शमिला आ, पॉली में आप लोगों ने कोई व्यू बनाया है प्राइस देख लग रहा है कि अच्छा अच्छा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा अमरीश का है अमरीश

ओके okay, चलिए ये इस समय पॉली कैअबा एक काम करते हैं अब आपको सीक्वेंस बताते हैं चार का चौका का उसके बाद ट्रेड लेने की बारी आ जाएगी सस्ता ऑप्शन ट्रेड आज हम लेंगे मानस से एफ एन ए रचना वैद्य लेकर आएंगी अमित सेठ से लेंगे आज हम चार्ट का चमत्कार और उसके बाद अमरीश पलिगा हैं मिड कैप फंडा के लिए ये सब ट्रेड्स कुछ ही देर में अप आप हैं आपके लिए लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं फिर शुरुआत करेंगे चार का चौका की अमरीश एक बार जरा ए का प्राइस देखिए एसीसी में शानदार मोमेंट हमारा तीन परसेंट ऊपर कोई कोई व्यू आपका सीमेंट पर या एसीसी पर नहीं सीमेंट पे तो व्यू मेरा काफी पॉजिटिव रहा है हम लोगों ने जो लास्ट दो तीन साल में जो देखा है हम लोग देखा था कि वॉल्यूम्स एम इंक्रीज पर मार्जिन इंप्रूव नहीं कर रहे थे क्योंकि बिकॉज रॉ मेटेरियल प्राइस प्रेशर था पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि रॉमेटर मार्जिन इंप्रूवमेंट देखेंगे और आगे जाके भी जो आई मीन वॉल्यूम इंक्रीज है इंप्रूवमेंट sort of आ रहा है सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर दिवन स्पेस